अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो जी, आज की सुबह जो है सिस्टर इन लॉ की तरफ, यानी कि हस्बैंड की कज़न की तरफ, तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे थे तो जो है ना बातें शातें करते। दिन काफ़ी हो गया था और बाजी ने जाना था हॉस्पिटल, वो चली गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना उनकी बहू और बेटी ने बनाए थे आलू के पराठे। यकीन जाने ये पराठे, मैं कहती इस कदर, एक तो गर्म भी बहुत ज़्यादा थे इस टाइम पे, लेकिन मज़े के भी बहुत थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो जी, ये सबको मैंने यहाँ पे दे रही थी, हस्बैंड को, बच्चों को, तो जो है ना खुद भी यहाँ पे ले रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म थे। और यकीन माने इसके साथ जो ये चटनी इन्होंने सर्व की थी, वो भी बहुत मज़े की थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ पर मैं आपको खा के जो है ना आपको बताऊँगी भी कि भाई कैसे थे। तो बस यहाँ पर फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, बातें वगैरह कर रहे थे, साथ 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 नाश्ता हो रहा था। और फिर उसके बाद जो है ना फिर हमने यहाँ पर उन्होंने बनाई थी चाय। तो बस फिर हम लोग जो है ना यहाँ पर पियेंगे चाय। और जी, चाय पीने के बाद बस फिर हमारी जो है ना यहाँ से होगी अब वापसी। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, तो रेडी होकर मैं जो है ना बस ये अपने निकलने लगे थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ। तो बस अब यहाँ पे निकलेंगे अब सिस्टर की तरफ। दोबारा सिस्टर की तरफ आए तो उसने बना ली चाय। तो हालांकि मैंने उसे कहा था भाई हम नाश्ता करके निकले, उसने कहा नहीं। तो क्यों आए थे? क्योंकि हस्बैंड का यहाँ पे रह गया था हेलमेट, और साथ में जो है ना मैं यहाँ पे पैनाडोल लूँगी, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। अचानक से बस पता नहीं क्यों मुझे हेडेक होने शुरू हो गई, क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज़ थी, तो उसकी वजह से मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रही थी। तो जी, यहाँ पे ये चाय होगी है रेडी। तो बस यहाँ से फिर हम लोग चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे घर की तरफ। जी, तो यहाँ पर हम लोग अभी अभी घर एंटर ही हुए हैं, तो जो है ना बस सिस्टर की तरफ इनका हेलमेट रह गया था, बस वही लेने गए थे। तो जी, यहाँ पर ना मेरी सिस्टर की देवर की बेटी की जो है ना निकाह था, तो उन्होंने फिर हमें ये बर्फ़ी भेजी है, और साथ में जो है ना ये दूध के दो ये हैं पैकेट हैं। तो चलें यहाँ पर ना मैं अभी इनको संभालती हूँ। तो बस निकाला था बैग से, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये जो है ना असल खोए की बर्फ़ी है दोनों जी। तो यहाँ पर ना अब जो है ना थोड़ी देर में मैंने कहा सबको भूख लग जाएगी, तो उससे पहले मैं इंतज़ाम कर लूँ, क्योंकि हमने सुबह का ही खाया हुआ, उसके बाद तो कुछ ऐसा खाया नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना ये मूंग की दाल ही घर से निकली थी, तो मैंने कहा चलें इससे करते हैं गुजारा। इसको मैंने भिगोया यहाँ पे, इसमें अब नमक मिर्च और हल्दी डालती हूँ, इसको ऊपर रखती हूँ पकने के लिए। जैसे ये पक जाएगी तो फिर इसमें जो है ना प्याज का तड़का लगाएंगे, और दैट्स इट, हमारी दाल हो जाएगी तैयार, और बाज़ार से फिर रोटियाँ वगैरह मंगा लेंगे। तो चलें फटाफट से इसको ऊपर रखते हैं ताकि फिर ये रेडी हो जाए। तो इसमें मैं लहसुन अदरक भी डालूंगी। चलो यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ और तैयार होने देती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने साथ चाय भी बना ली थी, तो चलो यहाँ पे पीती हूँ मैं चाय, और साथ यहाँ पे ये जो केक पड़ा हुआ है इसको खाते हैं। और थोड़ी देर ज़रा बैठूंगी, पता नहीं आज मेरा सर में दर्द बहुत शदीद हो रही है। सिस्टर की तरफ भी पैनाडोल मैंने खाई थी, मैंने आपको दिखाया थे, तो बस पता नहीं आज कुछ तबीयत जो है ना वो। तो यहाँ पे दाल जो है ना मेरी तकरीबन पक चली है, बस रेडी हो गई है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे पानी ज़रा लग रहा था ज़्यादा, बस इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा तेज़ आग की है ज़रा रिड्यूस हो जाए। और यहाँ पर ना प्याज मैंने ऊपर रखा है तड़का लगाने के लिए, तो चलें इसमें मैं यहाँ पर ज़ीरा डालती हूँ, और बस इसको यहाँ पर तड़का लगाएँगे और हरी मिर्चें डालेंगे, 2-3 मिनट का दम देंगे, दाल रेडी हो जाएगी। हस्बैंड को मैंने कॉल कर दिया कि रोटियाँ लेते आना आधी दफ़ा, तो बस वो भी कह रहे हैं मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो चलें तब तक यहाँ पे मेरी दाल भी रेडी हो जाएगी, फिर हम लोग खाना खा लेंगे, दैट्स इट। तो मेरी अचानक से तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब होने शुरू हो गई है, कि मुझे ना फीवर सा महसूस हो रहा है, सर्दी लग रही है, और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। बस मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर इसको डन कर दूँ, सबको खाना दे दूँ, तो बस फिर मेरी ज़रा टेंशन से मैं आज़ाद हो जाऊँ। तो यहाँ पर जो है ना ये बर्तन कुछ पड़े हुए हैं, तो इनको यहाँ पर जो है ना मैं क्लीन करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मैं फारिग हो जाऊंगी जी। तो यहाँ पे मैंने लाइट बंद कर दी, मुझे याद आया मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए दाल को तड़का लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर डन हो गई है। यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मैंने सारे धो लिए हैं, मैं हो गई हूँ फारिग। तो चले अब मैं अंदर चलती हूँ और चल के जो है ना बैठती हूँ, और उसके बाद फिर हस्बैंड आते हैं रोटी लेके, तो फिर खाना खाते हैं। तो हस्बैंड यहाँ पर नान लेकर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर दाल भी हमारी रेडी हो गई थी,
तो जो है ना हम लोग यहाँ पे खाना खाने लगे हैं। आज काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे बाहर बेड पे बैठी हुई हैं, तो मैंने कहा चलिए यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। तो चलें फटाफट से खाना खाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे बच्चों ने अर्तुगरुल लगाया हुआ है, तो बस वो देखते हैं जी। तो यहाँ पर ना मैं खाना खाने के बाद हस्बैंड के साथ गई थी ज़रा बाज़ार, तो मुझे ना बस थोड़ा सा मसला हो रहा आपको बताया था, तो ये फिर मैंने हाजमुला मांगी, तो वो कह रहे लगे हाजमुला नहीं है ये, इसकी जगह गैस्ट्रोफिल है। तो मैंने कहा चले मुझे ये दे दे, तो ये फिर जो है ना मैंने ये मरहबा वालों की ये ले ली, साथ में जो है ना सेमनप ली है, तो इसके साथ मैं ये खाऊंगी। तो चले यहाँ पर ये खाते हैं और जो है ना फिर थोड़ा सा आराम करती हूँ मैं। यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाज़त भी लूँगी इस दुआ के साथ के, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, अन्न पानी खा से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, आस्तों के सर से बचाए, अल्लाह पाक कभी भी किसी का मदायन ना करे, हमें सुबह अपना रखेगा। बहुत सारा ख्याल मुझे अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।